राजन, सब कुछ गया पर मन की टीस न गई, तप में सब जला किंतु मन का क्लेश न जला। राजन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब विकारों को जीत कर ही तो मनुष्य ब्रह्मऋषि बनता है, किंतु ब्रह्मऋषि बनने के बाद भी विश्वामित्र के मन से ऋषि वशिष्ठ से श्रेष्ठ होने का भाव नहीं गया। और जाता भी कैसे राजन, ऋषि वशिष्ठ से श्रेष्ठ होने के लिए ही तो उन्होंने अब तक की सारी यात्रा की थी, सारा तप किया था, ब्रह्म ऋषि बने थे। इसीलिए राजन, अपनी श्रेष्ठता का निर्णय कराने के लिए वे ऋषि वशिष्ठ के साथ मिथिला के राजा राजा जनक के पास पहुंचे। किंतु राजन, राजा जनक के समक्ष हुए तर्कपूर्ण वार्तालाप एवं शास्त्रार्थ के पश्चात राजा जनक भी दुविधा में पड़ गए। हे ऋषियों, जिस प्रकार ईश्वर एक है और उस तक पहुंचने के मार्ग अनेक हैं, उसी प्रकार आप दोनों भिन्न होते हुए भी एक समान श्रेष्ठ हैं। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी श्रेष्ठता का निर्णय नहीं कर सकता। राजन, यदि आप भी हमारी श्रेष्ठता का निर्णय नहीं कर सकते तो हमारी श्रेष्ठता का निर्णय कौन करेगा? हे ऋषिवर, अब तो शेषनाग ही आपकी श्रेष्ठता का निर्णय कर सकते हैं। मेरी विनती है कि आप दोनों संपूर्ण पृथ्वी का भार वहन करने वाले शेषनाग के पास जाएं। हे ऋषियों, आप दोनों की श्रेष्ठता का निर्णय करने का अब एक ही मार्ग है। आप दोनों में से जो भी मेरे फन पर स्थित इस धरती को धारण कर लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। इस पृथ्वी को धारण करना संपूर्ण संसार के ज्ञान को धारण करने के समान है, इसलिए मैं इस पृथ्वी को धारण करता हूं। राजन, ऋषि वशिष्ठ कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उन्होंने अपने योग बल से संपूर्ण पृथ्वी को अपने ऊपर धारण कर लिया और अब बारी थी ऋषि विश्वामित्र की। सापिंडे सो ब्रह्मंडे, जो मन में है वही ब्रह्मांड में है, इसीलिए हम इस धरती को धारण करते हैं। राजन, दोनों ही ऋषियों ने असंभव को संभव कर दिखाया, संपूर्ण धरती का भार क्षण भर में उठा लिया, इसलिए उनकी श्रेष्ठता का निर्णय करने में स्वयं शेषनाग भी असमर्थ हो गए। राजन, दोनों की श्रेष्ठता का युद्ध यूं ही चलता रहा और जब कोई निर्णय नहीं निकला तब हार कर ऋषि विश्वामित्र बद्रीधाम चले गए और निस्वार्थ भाव से स्वयं को समाधिष्ठ कर दिया। ओम वेद शक्ति गायत्री नमः। ओम वेद शक्ति गायत्री नमः। ओम वेद शक्ति गायत्री नमः। ओम वेद शक्ति गायत्री नमः।
गायत्री नमः। ओम वेद शक्ति गायत्री नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राजन, विश्वामित्र के निस्वार्थ तप के प्रभाव से वेदों के सबसे श्रेष्ठ मंत्र का निर्माण हुआ, हृदय से जन हुआ गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। हे ऋषिवर, आंखें खोलिए। तुमने गायत्री मंत्र का निर्माण किया है, तुमने मुझे अस्तित्व दिया है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम इस संसार में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य कहलाओगे। तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुरुष ना तो कभी हुआ है और ना तो कभी होगा। तो राजन, कथा समाप्त हुई। अब चुप रहने की बारी मेरी है और बोलने की तुम्हारी। तो बोलो राजन, जिस विश्वामित्र की श्रेष्ठता का निर्धारण न्यायशील राजा जनक नहीं कर सके, स्वयं शेषनाग नहीं कर सके, उस विश्वामित्र को अचानक से संसार का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने का वरदान कैसे मिल गया? बोलो राजन, ऐसा कौन सा महान कार्य किया था विश्वामित्र ने जो वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या के बाद भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की उपाधि मिल गई? बोलो राजन, बोलो। अहंकारी हत्यारे विश्वामित्र विश्व के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कैसे हो गए? बोलो राजन, उत्तर जानते हो तो बोलो, अन्यथा मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राजन, तो ये गायत्री मंत्र क्यों पढ़ रहा है? इसलिए बेताल, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी गायत्री मंत्र में छुपा हुआ है। अर्थात? गायत्री मंत्र का अर्थ होता है, हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पाप का नाश करता है। बेताल, गायत्री मंत्र के उच्चारण मात्र से ही मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, उनका अहंकार दूर हो जाता है। पर राजन, इससे विश्वामित्र संसार का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कैसे हो गया? वैसे बेताल, ये सत्य है कि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या करने का पाप किया, किंतु विश्वामित्र ने ही कोटि कोटि मनुष्यों को पाप से मुक्त होने का मार्ग भी दिखलाया। ये सत्य है बेटा कि विश्वामित्र स्वयं जीवन भर अहंकार से प्रेरित होते रहे, किंतु उन्होंने ही मनुष्यों के अहंकार को दूर करने वाला, आत्मा की श्रेष्ठता के स्थान पर परमात्मा की श्रेष्ठता को स्थापित करने वाला गायत्री मंत्र संसार को दिया। बेताल, गायत्री मंत्र प्राण स्वरूप प्राण रक्षक है, सुख स्वरूप सुखदायक है, आयुष्मान स्वरूप आयु देता है एवं पाप का नाश करता है। युगों युगों से मनुष्यता का पथ प्रदर्शन करने वाले संजीवनी जैसे गायत्री मंत्र का निर्माण करने के कारण ही विश्वामित्र के सारे पापों का नाश हो गया और उन्हें संसार के सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की उपाधि प्राप्त हुई। वाह वाह विक्रम, उत्तर तो तुमने एकदम सही दिया। और विश्वामित्र की श्रेष्ठता के साथ ही उन्हें मेरी भी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। पर तू अपने ज्ञान के अहंकार में पुनः बोला विक्रम, तू बोला और मैं चला। ठहर जा बेताल। बेताल, ठहर जा बेताल। विक्रम,
बेताल तभी तक तेरे साथ है जब तक तू मौन है। अगर तुमने बेताल की नियति को तोड़ा, यदि तू बोला तो बेताल चला। बेताल, हमारा संकल्प तुम्हारी नियति से भी बड़ा है, और हम अपनी संकल्प शक्ति से तुम्हारी नियति भी बदल देंगे। बेताल जानता है तुम्हें भी, तुम्हारे संकल्प की शक्ति को भी, और उस वचन को भी जो तू धूर्त भद्रकाल को देकर आया है। विक्रम, उन्हें एक साथ दो अनुचित कार्य किए हैं। एक अधर्मी को अनावश्यक वचन देकर आया, इसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते बेताल। तुम जितनी बार हमसे बचोगे, हम उतनी ही बार तुम्हें पकड़ लेंगे। मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगा विक्रम। जा बेताल, तुम नहीं जा सकते। जा बेताल। बेताल, कहां छुपे हो तुम? बेताल सामने आओ। तुम कहीं भी छुप जाओ बेताल, चाहे कोई भी छल कर लो, एक दिन हम तुम्हें यहां से लेकर जाएंगे अवश्य। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। सीधे सीधे हमारे सामने आ जाओ बेताल, हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। विक्रम, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। ये तो तुम ही हो जो मेरी तरफ पीठ किए खड़े हो। कितना सुंदर मुखड़ा है, पर कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। क्या हुआ, मेरे श्लोक का अर्थ समझ नहीं आया विक्रम? बेताल, ना तो हमें तुम्हारे श्लोक से कोई लेना देना है, ना ही तुम्हारी कथा से। हम तुम्हें यहां से ले जाने आए हैं और लेकर अवश्य जाएंगे। तब तो तुम्हें मेरे श्लोक का अर्थ बताना ही होगा विक्रम। मेरे श्लोक का अर्थ बताए बिना तुम मुझे सुई की नोक के बराबर भी हिला नहीं सकते। जो सोचा वो कर दिया। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य नाम है हमारा। बल नहीं, बुद्धि बल लगाओ विक्रम। मेरे श्लोक का अर्थ बताओ और मुझे यहां से ले चलो। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। बता राजन, गुरु और गोविंद में बड़ा कौन है? तुम अपने श्लोक का अर्थ ही सुनना चाहते हो ना बेताल, तो सुनो। श्लोक का अर्थ है कि गुरु और गोविंद में गुरु का पद बड़ा होता है, क्योंकि गुरु ही है जिसके द्वारा गोविंद अर्थात ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। प्रसन्न हुए तुम? राजन, मुझे पता था मुझे कि तुम्हें इसका उत्तर मालूम होगा, लेकिन फिर भी किसी भी प्रश्न का उत्तर तुम्हारे मुख से सुनने का आनंद ही कुछ और है राजन। चलो, इसी आनंद में आज मैं स्वयं तुम्हारी पीठ पर सवार हो जाता हूं। राजन, अब सोच क्या रहे? आज तो मैं स्वेच्छा से तुम्हारे साथ चल रहा हूं। चलो, करा लाओ मुझे अपनी प्रेत घाटी की सैर। चलो राजन। अवश्य बेताल। सिर्फ प्रेत घाटी की क्यों, पूरे संसार की सैर कराएंगे हम तुम्हें। राजन, ऐसा कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सारी धरती को पत्र बना दिया जाए, सभी वनों के सभी पेड़ों को काटकर उसकी लेखनी बना दी जाए, और सात समुद्रों के जल को स्याही बना दिया जाए, तब भी गुरु के संपूर्ण गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता। किंतु राजन, संसार में एक गुरु ऐसे भी हैं जिनके गुणों से अधिक उनकी गुरु दक्षिणा की कठोरता की चर्चा होती है, और उन्हीं से संबंधित है मेरा आज का प्रश्न। और वो ये है कि एकलव्य ने ये जानते हुए भी
कि गुरु द्रोणाचार्य उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, फिर भी गुरु दक्षिणा में उन्हें अपना अंगूठा क्यों दिया? तुम्हें अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी होगी। कहिए गुरुदेव, आपका शिष्य आपको क्या दे सकता है? तुम्हारा अंगूठा। मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, एकलव्य। राजन, इस संसार में गुरु की अपने शिष्य के प्रति ऐसी निर्दयता दुर्लभ है, किंतु उससे भी दुर्लभ है एकलव्य का अंगूठा दान। संसार यही जानता है कि एकलव्य ने अपने गुरु भक्ति में अपना अंगूठा दान किया था, किंतु ये सत्य नहीं है। तो क्या है एकलव्य के इस निर्णय के पीछे का पूर्ण सत्य? ये जानने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी राजन। तो सुनो राजन, एकलव्य कीरत हिरण्यधेनु की संतान था, जो अपने माता पिता के साथ मगध राज्य के घने वनों में कीरत बस्ती में रहता था। एकलव्य को धनुष बाण से बहुत लगाव था। एकलव्य, हम तुम्हें पूरी बस्ती में ढूंढ चुके हैं और तुम क्या लकड़ियों के साथ खेल रहे हो? तुम सुन भी रहे हो कि हम क्या कह रहे हैं? काकी तुम्हें कब से ढूंढ रही है? पुत्र एकलव्य, देखो अब वो भी आ गए, उनको ही उत्तर देना तुम। अब एकलव्य का धनुष बोलेगा। एकलव्य नहीं, सारे लक्ष्य भेदेगा ये तीर, दूर करेगा सब बाधा और हरेगा सबकी फीर। एकलव्य, तुम्हें अपने बाबा के साथ मछलियां पकड़ने जाना था और तुम यहाँ खड़े होकर बातें बना रहे हो। बातें नहीं माता, मैं तो ये तीर बना रहा था। तीर धनुष बनाने से तुम क्या क्षत्रिय हो जाओगे? बाबा मुझे ये समझ में नहीं आता कि केवल क्षत्रिय तीर धनुष क्यों चला सकते हैं, हम क्यों नहीं? क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है पुत्र। बाबा, इसीलिए तो मैंने ऐसे तीर बनाए हैं जिसके कारण हमारे कार्य और भी सरल हो जाएंगे। पुत्र, ये तुम्हारे तीर भला हमारे किस काम के? बाबा ये देखिए, ये तीर नदी में भी हवा की गति से चलता है और मछलियों को पता लगे बिना ही भेज सकता है। और ये वाला तीर देखिए, ये तीर मछलियों का पीछा कर सकता है। इसकी बनावट ही ऐसी है कि ये पत्थरों के पीछे से भी मछलियों का आखेट कर सकता है। एकलव्य, हम समझ गए, तुम पानी में जाल फेंकने से बचना चाहते हो ना, इसलिए तुम ये बातों के जाल बुन रहे हो। मोहना, एकलव्य क्षत्रियों की तरह बातों का वीर नहीं, वो जो कहता है करके दिखाता है। एकलव्य, तुम इस तीर धनुष से मछलियों का आखेट कैसे करोगे? आप स्वयं ही देख लीजिए बाबा। राजन,
देखिए बाबा, मैंने कहा था ना, एकलव्य का तीर अपना लक्ष्य कभी नहीं चूकता। किराट्रास! नौरोघट करने वाले सैनिकों ने बस्ती पर धावा बोल दिया।